लोकसभा चुनाव में इस बार अलग ही तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। राजनीतिक छींटाकशी के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक आईना तोहफे में भेजा। ऑनलाइन ऑर्डर किए गए इस आईने को सीधा प्रधानमंत्री आवास पर कुरियर किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने आईने के ऑर्डर की पर्ची को ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि मैं आपको ये आईना तोहफा स्वरूप भेज रहा हूँ। इस आईने को आप लोक कल्याण मार्ग में अपने आवास के किसी ऐसी जगह लगाएं जहां आप सबसे अधिक बार गुजरते हो, ताकि इस आईने में आप अपनी शक्ल बार बार देखें। आप अपनी चेहरा पहचानने की कोशिश भी करें, हो सकता है कि आप इस आईने का इस्तेमाल ना करें, पीएम निवास में किसी कूड़ेदान में फेंक दें, लेकिन आईना देखने से आप फिर भी नहीं बच पाएंगे। साथ ही भूपेश बघेल ने एक पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम फेसबुक पर लिखा है, जिसमें लिखा है, माननीय मोदी जी, आपको मोदी जी तो बोल ही सकता हूं ना। दरअसल क्या है ना कि आपने खुद को इतने नाम दे रखे हैं कि लोग भ्रमित हो जाते हैं कि आपको किस नाम से पुकारें, चायवाला, फकीर, प्रधान सेवक, चौकीदार, साहेब और ना जाने क्या क्या। आप स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसके कई चेहरे हैं, जो कि अपनी सुविधा अनुसार उन चेहरों को मतदाताओं को लुभाने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन इनमें से आपका असली चेहरा कौन सा है? आप 2014 में चायवाला बन गए, आपकी पीआर टीम ने आपकी इस छवि को खूब बेचा और वोट पटूरा, लेकिन अब तक इस बात के सबूत नहीं मिल पाए कि आपने चाय की केतली को हाथ तक लगाया हो। अब जब आपने चाय बेची ही नहीं तो आप चायवाला कैसे हो गए मोदी जी? फिर भारत को 10 लाख का सूट पहनने वाला फकीर भी मिला, एक ऐसा फकीर जिसके बारे में कहा जाता है कि मेकअप की हजारों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। आपकी कलम, दिन में कई बार बदले जाने वाले आपके कपड़े, आपका नाश्ता और आपका खाना भी सबकी बड़ी चर्चा होती है। 2000 करोड़ को आपने विदेश यात्राओं पर ही फूंक दिया एवं 4600 करोड़ विज्ञापन में। इस तरह का फकीर देखकर अच्छे खासे फकीरों के भी होश उड़ जाए। बात सिर्फ इस विशेषणों तक सीमित नहीं है मोदी जी। 2014 में आपने कालाधन विरोध के लिए भ्रष्टाचार विरोधी थे, जीएसटी विरोधी थे, पाकिस्तान को लव लेटर लिखे जाने के खिलाफ थे, चीन को आप लाल आंखें दिखाने चाहते थे, गंगा माँ के बेटे थे, स्मार्ट सिटीज और आदर्श गांव का सपना बेचने वाले राजनेता थे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के सच्चे समर्थक थे, लेकिन 2014 के बाद से इन सब को विपरीत होते चले गए। काले धन वालों को आपने विदेश भगा दिया, राफेल में अनिल अंबानी के साथ भ्रष्टाचार के भागीदार बन गए, आधी रात में संसद खुलवा कर जीएसटी बिल पास करवाया, लेकिन इससे देश के कारोबार की कमर टूट गई। गंगा नदी की स्थिति अब भी दयनीय है, बेरोजगारी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त किए गए हैं, आप बिन बुलाए पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाए, चीन के राष्ट्र प्रमुख के साथ आप झूला झूलते दिखे, बनारस को क्योटा बनाना तो दूर, हर खाते में 15 लाख जैसे जुमले ही साबित हुए। लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि आपका असली चेहरा कौन सा है। क्या आपको याद है आपका असली चेहरा कौन सा है? इससे पहले भी आप झूठ का एक और नकाब पहनकर जनता के बीच आए। मैं आपको यह आईना तोहफा स्वरूप भेज रहा हूँ मोदी जी। इस आईने को आप लोक कल्याण मार्ग में अपने आवास के किसी ऐसी जगह लगाएं जहां से आप सबसे अधिक बार गुजरते हो, ताकि इस आईने में आप अपनी शक्ल बार बार देखकर अपना असली चेहरे को पहचानने की कोशिश कर सकें। हो सकता है आप इस आईने को इस्तेमाल ना करें, प्रधानमंत्री निवास के किसी कूड़ेदान में फेंक दें, लेकिन आईना देखने से आप फिर भी नहीं बच पाएंगे। इस देश की 125 करोड़ की आबादी इस चुनाव में आपको आईना दिखाने वाली है। तैयार है ना मोदी जी?